हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ चाय को इस्तेमाल करने का, जिससे आपके बाल काले और शाइनी हो जाएंगे सिर्फ 20 से 25 मिनट में। ये चाय से बना हुआ हेयर मास्क आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ये हेयर मास्क आपके बालों को लंबा, शाइनी, स्मूथ और लस्टरस बनाने के साथ साथ आपके हेयर फॉल, हेयर लॉस और डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी जड़ से खत्म करता है और आपके बालों को लंबा, घना और स्मूथ और शाइनी बनाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस हेयर मास्क को कैसे बनाया जाए। तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चाय का पानी, और अभी सिर्फ कुछ ही मिनटों में आपको बताऊंगी कि चाय का पानी कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपको चाहिए आंवला पाउडर, या इसको इंग्लिश में इंडियन गूसबेरी पाउडर भी कहते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कैस्टर ऑयल, फिर हमें चाहिए विटामिन ई ऑयल। अगर आपके पास ये वाला तेल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि चाय का पानी कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको एक पैन के अंदर आधा कप पानी बॉईल करना है, यानी कि उबालना है। और जब ये पानी उबलने लग जाए तो इसमें एक बड़ा चम्मच चाय डालकर इसको अच्छे से पकने दीजिए, ताकि चाय का पानी अच्छे से बन सके। और 4 से 5 मिनट के बाद जब ये पानी अच्छे से पक जाए तो इसको छन्नी की मदद से छान लीजिए, और दैट्स इट, आपका चाय का पानी तैयार है। तो चलिए अब इस हेयर मास्क को बनाते हैं। और इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में 2 चम्मच आंवला पाउडर ले लीजिए। और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके चाय का पानी डालिए और उसको धीरे धीरे मिक्स कीजिए, ताकि एक स्मूथ और लम्फ्री पेस्ट बन सके। आपको इसके अंदर धीरे धीरे करके ही चाय का पानी डालना है, ताकि इसमें गांठें ना बने और ये पेस्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ बने। और सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका पेस्ट कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम इस पेस्ट के अंदर 1 बड़ा चम्मच कैस्टर ऑयल डालेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर आधा चम्मच विटामिन ई ऑयल डालेंगे, और अगर आप ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं तो आप आधा चम्मच ऑलिव ऑयल डालिए। और फिर आखिरी बार हम इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि एक स्मूथ और लम्फ्री हेयर मास्क बन सके। और सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद आपका हेयर मास्क तैयार है, जो कि आपके बालों को बहुत ज्यादा काला, घना, सॉफ्ट, शाइनी और लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यह हेयर मास्क 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, और इस हेयर मास्क को इस्तेमाल करना भी बहुत इजी है। आपको सिर्फ यह हेयर मास्क अपने बालों की जड़ों में और बालों पर अच्छे से लगाना है, और इसको लगाने के बाद 30 से 40 मिनट के लिए इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसको नॉर्मल पानी से धो लीजिए। याद रखिए कि आपको शैम्पू और कंडीशनर नहीं करना है कम से कम 2 घंटे के लिए इस हेयर मास्क को लगाने के बाद, ताकि आपके बाल बहुत ज्यादा काले, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बन सके। और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप ये हेयर मास्क हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोस की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।